Bismillahirrahmanirrahim. Example number 8, chapter number 3. 1 mole of methane gas is maintained at 300 Kelvin. Its volume is 250 cm³. Calculate the partial pressure exerted by gas under following conditions. Number 1. When gas is ideal. Number 2. When gas is non-ideal. और जब गैस नॉन आइडियल होती है तो हमें ए और बी की जरूरत पड़ती है, तो ए और बी भी प्रोवाइडेड है. तो सॉल्यूशन, वेन गैस इज आइडियल, अगर गैस आइडियल होगी तो आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई होगा, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एंड गिवन इज वॉल्यूम दैट इज 250 सी एम क्यूब. तो सी एम क्यूब को डी एम क्यूब में कन्वर्ट कर लें, और 1 डी एम क्यूब 1000 सी एम क्यूब के बराबर होते हैं, जिसे 1000 से डिवाइड कर दो 0.25 pm³ and mole are 1 mole. Temperature is 300 Kelvin. And ideal gas constant is 0.0821 atm dm³ per mole per Kelvin. हमें pressure चाहिए. So pressure is equal to nRT over V. Putting values along with units and simplifying them. तो pressure आपके पास mole 1 mole है, R 0.0821 atm dm³ per mole per Kelvin, and T is 300 Kelvin, and V is 0.25 dm³. तो मोल तो मोल से कट जाएगा, और dm³ से कट जाएगा, पर Kelvin Kelvin से कट जाएगा, और आपके पास आंसर आया 98.5 atm. This is pressure for ideal gas. अब अगर gas non ideal हो तो van der Waal equation लगेगी. आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लगेगी, वैन डर वाल इक्वेशन लगेगी, दैट इज पी प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इनटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी. बाय रीअरेंजिंग इक्वेशन टू कैलकुलेट द प्रेशर, आपको प्रेशर चाहिए, तो ये जो वी माइनस एन बी है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एन आर टी ओवर वी माइनस एन बी, ये वैसे ही रहा. अब ये जो प्लस है आप इसको दूसरी तरफ भेजो, ये माइनस हो जाएगा, एन आर टी ओवर वी माइनस एन बी माइनस जो प्लस था इधर जाके माइनस हो गया ए एन स्केयर ओवर बी स्केयर. अब वैल्यूज पुट करेंगे विद यूनिट्स, लेकिन मैंने यूनिट्स नहीं लगाई, आप यूनिट्स पुट करोगे तो प्रेशर इज इक्वल टू एन 1 मोल है, और आर 0.0821 एटीएम डीएम³ पर मोल पर केल्विन, एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन, और वी इज 0.25, एंड एन आर द मोल जो कि 1 मोल है, और बी हमें गिवन है दैट इज 0.0428 माइनस ए एन स्केयर, एन 1 है, 1 का स्केयर 1 ही होगा, और ए हमें गिवन है, ए इज 2.253 डिवाइडेड बाय वी स्केयर, और वी इज आल्सो गिवन 0.25 का स्केयर. अब इसे जब मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 24.6, इन्हें जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0.27. ये 2.25 ही रहा क्योंकि 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, और 0.25 का स्केयर दैट इज 0.0625. तो आप इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 118.985. इसे भी डिवाइड करेंगे आंसर आ गया 36.048. इसमें से ये वैल्यू निकालना आंसर आ गया 82.85. इन नॉन आइडियल गैस प्रेशर इज लेसन, क्यों? जब आइडियल गैस होती है ना, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैस के ऊपर कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो रहा होता, लेकिन जब नॉन आइडियल गैस होती है तो नॉन आइडियल गैस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होता है. तो प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा होता है उसका प्रेशर लेसन हो जाता है, तो लेसन हो जाने के बाद वो वैल्यू बची है 82.5. तो कितना लेसन हुआ? जो आइडियल गैस का था वो था 98.5, जो अभी आया है दैट इज 82.85. तो जो लेसन हुआ दैट इज गोइंग टू बी 15.6588.